रविवार 21 जून को देश का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण दिखेगा। सुबह 10:14 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा, जबकि इसका सूतक शनिवार रात 10:14 से ही शुरू हो जाएगा। सूतक के समय पूजा पाठ नहीं किए जाते हैं, इस समय में सिर्फ मंत्र जाप कर सकते हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के अनुसार ग्रहण सुबह 10:14 से शुरू होकर दोपहर 1:38 तक रहेगा। ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है और ग्रहण खत्म होने तक रहता है। ग्रहण खत्म होने के बाद पूजा पाठ किए जा सकते हैं। इससे पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण हुआ था, 21 जून को सूर्य ग्रहण है और 5 जुलाई को फिर से चंद्र ग्रहण होगा। 5 जून और 5 जुलाई के चंद्र ग्रहण का धार्मिक महत्व नहीं है, क्योंकि यह माघ चंद्र ग्रहण है। इस ग्रहण में चंद्रमा के आगे सिर्फ धूल सी छा जाती है। इस तरह 30 दिन में 3 ग्रहण का दुर्लभ योग अब 119 साल बाद बनेगा। कल 2039 में 11-12 जुलाई की रात चंद्र ग्रहण, 25-26 जुलाई को सूर्य ग्रहण और इसके बाद 9-10 अगस्त की दरमियानी रात में चंद्र ग्रहण होगा। इस समय भी इस चंद्र ग्रहणों का धार्मिक महत्व नहीं रहेगा। 2020 के पहले शनिवार के मकर राशि में बकरी रहते हुए ऐसे 3 ग्रहण 1962 में हुए थे। 58 साल पहले 17 जुलाई को चंद्र ग्रहण, 31 जुलाई को सूर्य ग्रहण और 15-16 अगस्त की मध्य रात्रि में चंद्र ग्रहण हुआ था। इस साल भी चंद्र ग्रहण की धार्मिक मान्यता नहीं थी। 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था। कुछ दिनों बाद 1 सितंबर 1962 को ईरान में भारी भूकंप आया था। 2020 में भी ऐसे ही ग्रहण हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं और आगे भी इसका खतरा बना हुआ है। यह ग्रहण भारत के अलावा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ क्षेत्रों में दिखेगा। सभी जगह ग्रहण का समय अलग अलग होगा। ये ग्रहण ना ही आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और ना ही पूरे सूर्य ग्रहण।